तो फाइनली Xiaomi ने Redmi Note 8 के यूजर्स के लिए है एक नया अपडेट जो है रोल आउट कर दिया है, जो कि है MIUI 11 का 11.0.4.0, जिसको आज हमने अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपको ये अपडेट नहीं मिला है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे अपने फ़ोन को अपडेट भी कर सकते हैं ऑफिशियल मेथड से, और आपको सभी के सभी इसके चेंज लॉग्स और कुछ फीचर्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है Redmi Note 8 और इसके अंदर फाइनली जो है हमें MIUI 11 का 11.0.4.0 अपडेट जो है मिल चुका है। अभी आपको Android वर्जन 9 ही देखने को मिला है, Android 10 में अभी आपको टाइम लगेगा, नियर अबाउट 1 to 2 months आपको लग सकते हैं Android 10 मिलने में, मे बी उससे पहले भी मिल सकता है, बट Android 10 आपको मिलेगा और MIUI 12 भी आपको देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी पैच लेवल जो है आपको इस टाइम पे लेटेस्ट देखने को मिला है, जो कि मिलता है 1st of March 2020 का। कुछ डिवाइसेज में ऑलरेडी अप्रैल का सिक्योरिटी पैच आ चुका है, बट अभी आप Redmi Note 8 यूजर्स को अभी जो है मार्च का ही सिक्योरिटी पैच देखने को मिला है। अगर हम चेंज लॉक की बात करें तो मैं आपको चेंज लॉक दिखा देता हूं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि चेंज लॉक में क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो ये देखिए, दो चीज़ें मेंशन की गई हैं, सिस्टम अपडेटेड सिक्योरिटी पैच टू मार्च 2020 जो मैंने आपको दिखा दिया है। सेकंड चीज़ जो इन्होंने इसके अंदर मेंशन की गई है वो है ऐप लॉक के अंदर, न्यू ऐप लॉक इज सपोर्टेड फॉर ऑल ऐप्स नाउ। पीछे क्या होता था, कुछ एप्लीकेशन में जो था ऐप लॉक सपोर्ट नहीं करता था, अब वो सपोर्ट करेगा। और स्टार्ट पेज के अंदर भी छोटे मोटे ऑप्टिमाइजेशन किए हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइजेशन और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस अपने फ़ोन पे देखने को मिल सके। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जो सिक्योरिटी का ऐप है अब उसके अंदर जो है डार्क मोड आपको सपोर्ट मिलता है, यानी कि अब जो है डार्क मोड जो है परफेक्टली काम कर रहा है आपके सिक्योरिटी के एप्लीकेशन के ऊपर भी। तो ये देखिए, सिक्योरिटी का ऐप जो है वो आपका डार्क मोड में चला जाता है और परफेक्टली काम करता हुआ उसके अंदर नज़र आ रहा है। उसी तरीके से जो आपका ऐप वॉल्ट है वो भी अब डार्क मोड में है, मगर उसके अंदर अब कुछ छोटे मोटे आपको चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे। हाँ, एड्स जरूर हैं उसके अंदर, बट आपको कुछ छोटे मोटे चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कुछ नए टूल्स और कुछ नए चीज़ों को इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है और कुछ नई चीज़ों को भी ऐड किया है यहाँ पे। परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो रोम पहले से बेटर हुआ है और काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, फिंगरप्रिंट सेंसर जो है काफ़ी पहले से फास्ट हुआ है, उसी तरीके से फेस अनलॉक भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है इसके अंदर। और कुछ नए चेंजेस जो इसके अंदर किए गए हैं वो किए गए हैं कैलेंडर के अंदर, कैलेंडर के अंदर जो है कुछ एनिमेशंस में इन्होंने चेंजेस किए हैं और कुछ नए ऑप्शंस को इन्होंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है, जिसको आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर देते हैं। और ये डे बाय डे जो है अपडेट होता रहता है और किसी भी डे के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देता रहता है। तो ये भी इसके अंदर एक छोटा सा चेंज है, ज़्यादा मेजर चेंज नहीं, क्योंकि मेजर चेंजेस में देखा जाए तो कोई ज़्यादा बड़े चेंज नहीं किए गए हैं इसके अंदर। गैलरी जो है अभी आपको आउटडेटेड ही मिलती है, नई गैलरी आपको अभी देखने को नहीं मिली है, ना ही अभी आपको इसके अंदर स्काई मोड और ना ही वीडियो कंप्रेशन का फीचर देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक फीचर जो है आप मिस करते हैं, जो कि काफ़ी सारे फोन्स के अंदर ऑलरेडी आ चुका है MIUI 11 के अंदर। सेटिंग्स पहले में बात करें कि जैसे आप इस अपडेट को इंस्टॉल कर लेते हैं या पुराने अपडेट के ऊपर हैं, तो आपको सिस्टम एप्स अपडेटर के अंदर एक कुछ अपडेट्स आए होंगे, उन अपडेट्स को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको अपने फ़ोन की जो होम स्क्रीन है उसके अंदर जो है आपको ऐप ड्रॉ का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप ऐप ड्रॉ या रेगुलर ऑरेंजर को यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आप आइकन साइज को यहाँ से स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, लार्ज या एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से होम स्क्रीन लेआउट को 4x6 या 5x6 भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐप ड्रॉ के अंदर कुछ छोटे मोटे चेंजेस और कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड आपको डार्क चाहिए, लाइट चाहिए या सिस्टम चाहिए, और उसकी ओपेसिटी यानी ट्रांसपेरेंसी को भी कम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपको ऐप ड्रॉ के अंदर जो है हमारा जो वॉलपेपर है उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरीके से जो है सिस्टम अपडेट के अंदर आपको वहाँ पर कुछ अपडेट्स भी आ रखे होंगे, उनको ज़रूर अपडेट कर लीजिएगा। सेटिंग्स में कुछ और चीज़ों को चेक करें तो डिस्प्ले के अंदर जो है अभी आपको ज़्यादा कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, एज इट इज़ वही आपको चीज़ें मिलती हैं, उसमें सच कोई चेंजेस नहीं है। लॉक स्क्रीन में जहाँ पे वॉलपेपर कैरासोल लिखा होता था वहाँ पे उसका नाम इन्होंने ट्रांसफॉर्म नहीं कर दिया है, यानी ये एक आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिला है। सिंपल है, बाकी फीचर्स वही हैं, बट इन्होंने इसका सिर्फ नाम चेंज किया है, बाकी आपको इसके अंदर और कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला है इसके अंदर। अगर आप ऐप्स में जाएं तो ऐप्स में आप जो ऐप लॉक के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, आपको यहाँ पे एक नया एनिमेशन देखने को मिलेगा और एक नई तरीके का बैकग्राउंड देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप ऐप लॉक या हिडन ऐप्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आप मोस्टली सभी एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हैं और सभी एप्लीकेशन के ऊपर आप उनको लॉक भी कर सकते हैं। हिडन ऐप्स में आप सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं जो सिस्टम वाइड एप्लीकेशन नहीं है, जो सिस्टम की एप्लीकेशन नहीं है। जो भी एप्लीकेशन जो अनइंस्टॉल हो सकती हैं या ऐसी कोई एप्लीकेशन जिसको आपने डाउनलोड किया है उनको आप हाइड कर सकते हैं
सिस्टम एप्लीकेशंस को आप हाइड नहीं कर पाते हैं इसके अंदर, सिर्फ ऐप लॉक में उन एप्लीकेशंस को आप हाइड कर पाते हैं, सॉरी लॉक कर पाते हैं, जैसे सेटिंग्स हो गया इनको आप लॉक कर पाते हैं, बट हिडन ऐप्स में आप सेटिंग्स वगैरह को हाइड नहीं कर पाते हैं इस टाइम पे। काफ़ी दिनों से एक क्वेश्चन जो था रेडमी नोट 8 यूज की पूछ रहे थे कि एंड्रॉइड 10 का अपडेट मिलेगा। हाँ, तो रेडमी नोट 8 के यूजर्स को जो है एंड्रॉइड 10 का अपडेट जरूर मिलेगा, साथ ही साथ आपको MIUI 12 का अपडेट भी इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि मे बी अक्टूबर के बाद आप रेडमी नोट 8 के अंदर आपको ये मिल सकता है। सेटिंग्स में आप कुछ और चीज़ें चेक कर लें तो स्पेशल फीचर्स में जो है गेम टर्बो मोड के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब आपको थोड़ा सा गेम टर्बो का जो UI है उसमें आपको छोटे मोटे यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे और एक अलग सा आपको थोड़ा सा इसमें अंदर फील आएगा कि आपको लगता होगा कि जो पहले का जो गेम बूस्टर था उसके मुकाबले जो है अब गेम बूस्टर आपको थोड़ा सा अलग यहाँ पे देखने को मिलता है। बैटरी एंड परफॉर्मेंस में अभी भी आपको अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड नहीं मिला है, तो देखा जाए तो एक तरीके से मेजर फीचर्स तो इंट्रोड्यूस नहीं किए गए, छोटे मोटे बग्स को फिक्स किया गया है। काफ़ी लोगों का ये मानना था जो बैटरी की हीटिंग प्रॉब्लम आई थी उसमें भी माना यह जा रहा है, काफ़ी लोगों का ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब बैटरी का इशू जो है कम को कम फील हो रहा है और परफॉर्मेंस पहले से बेटर लग रही है रेडमी नोट 8 की। इस अपडेट को आप ज़रूर अपडेट कर लीजिएगा यानी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इसी के बाद आपको इसके अंदर एंड्रॉइड 10 मिल सकता है। जब तक आपके फ़ोन के अंदर सिक्योरिटी पैच अपडेट नहीं होगा आपको एंड्रॉइड 10 का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, तो ये अपडेट जो है रिकमेंडेड है और आप इसको यूज़ जरूर कीजिएगा। अब काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि हमको अपडेट मिला था बट उस टाइम पर इसको डाउनलोड नहीं कर पाए या डाटा की वजह से आपको यूज़ नहीं कर पाए, तो आप इसको मैनुअली भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, जो आपकी अपडेट की फाइल है उसको डाउनलोड कर लेना है और अपने फाइल मैनेजर यानी अपने फ़ोन में सेव कर लेना है। उसके बाद आप सिंपली अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाएंगे, फ़ोन की सेटिंग्स में सबसे ऊपर एक ऑप्शन होता है अबाउट फ़ोन का, उसके सिस्टम अपडेट पर जाइए, MIUI 11 के लोगो पर आप 8 से 10 बार टैप करेंगे, उसके बाद मेनू पर जाके आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है चूज अपडेट पैकेज, वहाँ जाके आप उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे zip फाइल को और ओके कर देंगे। उसके बाद जो है आपके फ़ोन के अंदर वो अपडेट जो है इंस्टॉल हो जाएगा और आपका कोई डाटा जो है लॉस्ट नहीं होगा, सारे के सारा डाटा आपका एज इट इज रहेगा, सिर्फ आपका फ़ोन जो है अपडेट हो जाएगा। अपडेट जो है बैचेस में आते हैं, तो फर्स्ट बैच जो है ऑलरेडी निकल चुका है, सेकंड बैच भी जल्दी आने वाला है, तो वो आपको जल्द इसके अपने फ़ोन के अंदर देखने को मिल सकता है। एक और चीज़ जो काफ़ी सारे लोग जो था टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पूछ रहे थे कि इस अपडेट में आपको जो वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन है वो देखने को मिला है कि नहीं मिला है, तो वीडियो टूल बॉक्स जो है अभी भी आपको देखने को नहीं मिला है, उसमें थोड़ा सा टाइम लेगा। मोस्टली वो फीचर जो है एंड्रॉइड 10 के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जैसे ही आपको रेडमी नोट 8 के अंदर एंड्रॉइड 10 मिलेगा आपको वो फीचर भी यहाँ देखने को मिलेगा, बट कुछ ट्रिक की वजह से आप उसको अपने फ़ोन में एक्टिवेट कर भी सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिजिटल वेलबिंग की बात करें तो डिजिटल वेलबिंग भी अभी आपको ओल्ड ही देखने को मिला है, जो लेटेस्ट डिजिटल वेलबिंग है वो आपको अभी देखने को नहीं मिला है। उसी तरीके से फोकस मोड भी आपको इसके अंदर पुराना ही अभी भी देखने को मिलता है। अगर हम एडिशनल सेटिंग्स में जाएं और फुल स्क्रीन डिस्प्ले में, तो आपको जो है फुल स्क्रीन जेस्चर्स में कई फोन के अंदर जो है अब लेफ्ट और राइट से स्वाइप करने पे गूगल असिस्टेंट जो है लॉन्च हो जाता है, जो कि एंड्रॉइड 10 के फीचर में आता है, वो भी अभी आपको देखने को नहीं मिल पा रहा होगा क्योंकि उसके लिए आपको एंड्रॉइड 10 चाहिए। तो बस आज की इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था कि एंड्रॉइड 10 आप लोगों को ज़रूर मिलेगा और क्या अपडेट आया है और आपको इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और कैसे आप इसको अपने फ़ोन में मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है या कुछ भी चीज़ आप वहाँ से शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मेरे से कुछ चीज़ मिस हो गई है या आपको लगता है कोई फीचर मैंने मिस कर दिया है तो नीचे कमेंट्स करके हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नया फीचर भी इसके अंदर देखने को मिला है। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।